अध्याय 20 खाद्य सुरक्षा। भोजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, पर कभी कभी किसी कारणवश या तो हमें भोजन नहीं मिल पाता या हम स्वयं भोजन नहीं लेते। क्या आप भी कभी एक या दो दिन भूखे रहे हैं? इन दिनों में भूख के कारण आपको कैसा महसूस हुआ? कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूखा रहकर कैसे अपने प्राणों की रक्षा करता होगा? जरा इन बातों पर विचार कीजिए कि किन किन कारणों से कोई व्यक्ति या उसके परिवार वालों को भूखा रहना पड़ता होगा। इन सब बातों पर आप अपने शिक्षक से चर्चा करें। आइए हम कुछ स्थितियों का अध्ययन करते हैं। मध्य प्रदेश के सूखे की तस्वीर। लगभग 80 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। उस स्थिति में लोगों ने इसका सामना कैसे किया? एक शाला के बच्चों द्वारा अपने बड़े बुजुर्गों से उनके अनुभव पूछे गए और उसका दस्तावेजीकरण किया गया। उसका एक दृश्य नीचे प्रस्तुत है। अकाल में कुछ नहीं पका, जिसको जो मिला वह खा जाता था। पेड़ की पत्ती, छाल, किसी भी चीज़ को पीसकर खा जाते थे। अकाल के समय जंगल की भाजी भी नहीं मिलती थी। अनाज बहुत महंगा था। पहले 1 रुपये का 5 किलो अनाज मिलता था, मगर अकाल में 5 रुपये का 1 किलो भी मिलना कठिन था। इसलिए लोग ज्वार की राबड़ी पीते थे। राबड़ी ज्वार को पानी में घोलकर उबालकर बनाई जाती है। अनाज की कमी के कारण यह राबड़ी इतनी पतली बनाते थे कि जब थाली में लेकर इसे पीने बैठते थे तो घर के छत के डांडों की परछाई उसमें दिखाई देती थी। पेड़ों के तनों के छिलकों को बाजरे के साथ पीसकर रोटी बनाकर खाते थे। अनाज बहुत महंगा था। एक मुट्ठी दाना और मटका भर पानी पीकर जिए। पेड़ के सभी भाग को खाया, मिट्टी भी खाई। बंगाल के अकाल की तस्वीर। वर्ष 1943 में बंगाल में आए भयंकर अकाल से लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई। अनाजों के उत्पादन में थोड़ी सी कमी से इस अकाल की शुरुआत हुई। अनाज उत्पादन की थोड़ी कमी ने ऐसा दुष्चक्र बनाया कि भयंकर अकाल का रूप ले लिया। खराब मौसम के कारण अनाजों के उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई। विदेशों से भी अनाजों का आयात प्रभावित हुआ। अनाजों की थोड़ी कमी से व्यापारी वर्ग द्वारा जमाखोरी की जाने लगी, जिससे अनाजों की कीमतों में वृद्धि होनी शुरू हो गई। कृषक वर्ग द्वारा भी अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं एवं बचाव को देखते हुए अनाजों को बाजार में बेचना काफ़ी कम कर दिया, जिससे पुनः अनाजों की कीमतों में तेजी से वृद्धि होने लगी। वहीं सरकार द्वारा भी जमाखोरी, मूल्य वृद्धि रोकने व खाद्यान्न आपूर्ति बढ़ाने पर कोई प्रयास नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप अनाजों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने लगी। इन आसमान छूती कीमतों पर गरीब वर्ग का कुछ समूह, जैसे दैनिक मजदूर, मछुआरे, बढ़ई, सामान ढोने वाले आदि, अनाजों की पहुंच से अपनी कम आय के कारण दूर होते गए और अंत में वृहद पैमाने पर भूख से मरने का मंजर शुरू हो गया। दीर्घकालीन अदृश्य भूख। चित्र क्रमांक 20.3 के तस्वीरों को देखने से हमें ऐसा लगता है कि ये सभी लोग स्वस्थ हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में ये लोग भी कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग शारीरिक रूप से तो लगभग सामान्य दिखते हैं, परंतु आंतरिक रूप से कमज़ोर रहते हैं। वास्तव में ये अदृश्य भूख के शिकार हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग भोजन नहीं करते, अपितु अपनी अल्प आय और गरीबी के कारण हर रोज पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ले पाते। अपर्याप्त भोजन लेने की स्थिति यदि लंबे समय तक चलती है तो दीर्घकालीन भूख की स्थिति बन जाती है, जो कि इनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। यह स्थिति पोषण सर्वेक्षण से समझ में आती है, जिसके बारे में आप इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। क्या है खाद्य सुरक्षा? उपर्युक्त दी गई तीन घटनाएं भूख से पीड़ित लोगों की व्यथा व्यक्त कर रही हैं। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा इसी संदर्भ पर आधारित है। किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए जितनी वायु व जल की आवश्यकता होती है, उतना ही उसे भोजन की भी आवश्यकता है। सभी लोगों के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, उसकी पहुँच और उसे प्राप्त करने की क्षमता ही खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा के तीन प्रमुख आयाम हैं। पहला, भारत में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। दूसरा, सरकारी योजनाओं द्वारा खाद्य पदार्थों की पहुंच। तीसरा, बाजार और क्रय शक्ति।
भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया, जिसे खाद्य का अधिकार कानून भी कहा जाता है। यह कानून देश के अधिकांश लोगों पर लागू होता है, जिसके अंतर्गत पात्र परिवार को प्रत्येक महीने रियायत मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लोगों को खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 पारित किया गया, जिसमें कहा गया है कि यह राज्य के निवासियों के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा तथा अक्षय आहार की अन्य आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित कराते हुए उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए सदैव उचित मूल्य पर खाद्य तथा आहार सुरक्षा उपलब्ध कराने एवं उससे संबंधित अथवा अनुषांगिक विषयों हेतु अधिनियम है। भारत में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता से ही खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। खाद्यान्नों की उपलब्धता का संबंध सभी प्रकार के अनाजों जैसे गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज आदि से है। विगत 5 दशकों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रयास के फलस्वरूप देश के खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। आज़ादी के समय से अब तक खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 4 गुने से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। इसे हम अग्रांकित सारणी से समझ सकते हैं। उपर्युक्त आंकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि आज़ादी के समय हमारा देश गंभीर खाद्य संकट से गुजर रहा था। उस समय खाद्य आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सरकार को विदेशों से 4.8 मिलियन टन अनाज आयात करना पड़ा। बाद में कुछ वर्षों में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि हुई, फिर भी खाद्य आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार को कुछ खाद्यान्न आयात करना ही पड़ा। 70 के दशक के बाद अनाजों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने लगी, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ी और खाद्यान्नों के आयात में भी कमी होने लगी। आज़ादी के समय सभी अनाजों जैसे गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन एवं मोटे अनाजों की कमी थी। योजनाओं के फलस्वरूप सभी अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु चावल एवं गेहूं में तुलनात्मक रूप से अधिक वृद्धि हुई तथा मोटे अनाजों दलहन एवं तिलहन के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई, जबकि ये अनाज पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। तालिका क्रमांक 20.1 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि हमारे देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है। उपलब्धता को समझने के लिए केवल उत्पादन को देखना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता को जानना होगा। प्रति व्यक्ति उपलब्धता हमें आत्मनिर्भरता का संकेत देती है तथा सभी लोगों के लिए खाद्यान्न उपलब्धता की संभावना दर्शाती है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्धता की गणना करने के लिए हम खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता को कुल जनसंख्या से भाग देकर वार्षिक उपलब्धता ज्ञात करते हैं तथा उसमें 365 दिन यानी 1 वर्ष का भाग देने से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न की उपलब्धता प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्धता तालिका 20.2। उपर्युक्त आंकड़े तालिका 20.1 पर आधारित हैं। तालिका से पता चलता है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता की मात्रा थोड़ी बढ़ी है, परंतु जनसंख्या वृद्धि की तुलना में यह पर्याप्त नहीं है। हमें केवल अनाजों के सेवन से ही पर्याप्त पोषक तत्व तो प्राप्त नहीं होते, अपितु हम फल, सब्जी, दूध, मांस, अंडा आदि से भी अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इन पदार्थों का सेवन संतुलित आहार की दृष्टि से एक अच्छा संकेत है।